गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस टाइम हूँ अपने बुआ जी के घर और मैं आज जाने वाला हूँ एक बहुत ही पुराना मंदिर देखने, जो मेरे बुआ जी के गांव के जस्ट बगल में ही है। बहुत ही पुराना है। उस मंदिर के बारे में मुझे बताया गया है कि वो लगभग अंग्रेजी हुकूमत में बनाया गया था, जो लगभग आज से 150-200 साल पहले। यह मंदिर का निर्माण 1850 से 1860 के बीच में बनाया गया। यह मंदिर का बहुत सारे रहस्य हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर यह है और यह नरसार कराहिया का मात्र एक शिव मंदिर है, जहां सावन माह में जल चढ़ाया जाता है। और बह भाई जी, बहुत पुराना मंदिर ये भी लग रहा है, क्योंकि उसके जो मंदिर, वो जो बीच वाले जो मंदिर है वो काफी अंदर है, जमीन में है ये मंदिर। ये देखिए, जो पीछे वाला मंदिर दिख रहा है वो जमीन में है, काफी अंदर है उसका ये जो शिवलिंग। देखिए कितना मस्त है। तो मैं चल रहा हूँ एक साधु बाबा से पूछ रहा हूँ इसके बारे में। तो भाई ये देखिए इनार, इसमें तो कवाड़ हो गई है। भाई बाबा जी से मिल रहे हैं कि इनके मंदिर के बारे में इनको कुछ ज़्यादा नॉलेज है, तो ये बताएंगे अपने भाषा। वहाँ भाई ये मंदिर कहाँ का है? करेनर सर। अच्छा, ये मंदिर के कुछ बारे में, कब से मंदिर है ये? 100 वर्ष पहले का मंदिर है। 100 वर्ष पहले का मंदिर है। और इसके जगह पे कोई और भी मंदिर था? ये यही था। अच्छा, इसके बाद ही बना है 9 मंदिर। ये पहले शिव का, यही महाकालेश्वर के नाम से है ये मंदिर। हाँ, काफी पुराना है। काफी पुराना है। और ये जो बता रहे थे जो इनार है, इसका कैसा जो है? जल जो चढ़ता है संकल्प जल का पानी इसमें आता है जल का। अच्छा, जो मंदिर में चढ़ेगा पानी उसको ये इसमें आ जाएगा, इनार में आएगा। इनार से जो से बाहर किया, इसमें तो कोई पाइप होगा ना मंदिर से? नाली है जो उसमें। हाँ, वहाँ से नाली है। नाली है, जल चढ़ता है उनके पास से यहाँ इनार तक नाली है। और मतलब कि बता रहे थे हाथी वगैरह, पता नहीं कैसे हाथी आए थे उसको ऊपर करने के लिए। ये जो सिर्फ मंदिर है अंदर का, हाथी जो बोल करके चली गई। अच्छा, बोल करके बैठ गए, ऊपर आए नहीं, नीचे भक्ति जा रहे थे। अच्छा, काफी पुराना ये मंदिर है। और एक बता रहे थे लोग कि मतलब बहुत पहले बहुत बड़ा ये मंदिर था। पुराना मंदिर था। कितने दूर तक दिखता था वो उसका झंडी? रमकोला तक इनका झंडी दिखाई देता था। रमकोला कितना दूर हो गया यहाँ से? रमकोला यहाँ से लगभग 10-11 किलोमीटर है। मतलब 10-11 किलोमीटर झंडी दिखाता था? बाप रे। और ये कौन सा जिला में पड़ता है ये मंदिर? कुशीनगर जिला, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये कुशीनगर काफी करीब में होगा। तो देखिएगा 13 किलोमीटर कुशीनगर है। समुद्र मंथन के समय जब महादेव ने विष ग्रहण किया था, तब उनका मस्तक और गला गर्म हो गया था, और जो भी इस मंदिर में जल चढ़ता है वह सीधे कुएं में आ गिरता है। ये पाइप के द्वारा से निकाल दिया जाता है। तो भाई जब मैं चलूँ मंदिर के अंदर, इसका तो भाई अंदर जा रहा हूँ। ये मंदिर यहाँ से आया और यहाँ से अंदर जाया जाता है। अभी मैं आपको अंदर लेकर चलूँगा। काफ़ी देखिए कितना पुराना मंदिर है ये, काफ़ी मोटी इसकी दीवारें हैं। ये देखिए, और यहाँ से भी, यहाँ से अंदर जाया जाता है, उधर से निकला जाता है इस जो दिख रहा है। और इधर भी गेट ऐसा ही है। ये कुछ मंदिर का देखिए, चारों तरफ एक ही सेम है, चारों तरफ सेम है। फिर आगे मैं यहाँ पे गाइज, अब मैं चल रहा हूँ अंदर मंदिर के अंदर। और ये देखिए कुछ ऐसा है, इतना नीचे है ये, इसका ये बराबर में पड़ रहा है, और इतना बहुत नीचे हम लोग को जाना पड़ेगा इसमें, बहुत नीचे। और इतना नीचे का आने के बाद से ये जो मंदिर है, यहाँ पे चारों तरफ जल चढ़ाया जाता है, और ऊपर जो मकड़े का जाली लग गया, इसकी वजह से थोड़े काला मंदिर है। काफ़ी इतनी पतली है, काफ़ी पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। हमको लग रहा है ये 100 साल प्लस है, इतना पुराना मंदिर है। देखिए कुछ वहाँ पे कैसे कैसे बना है, देखिए काफ़ी पुराना मंदिर है यार। ये जाली लग गई है ना मकड़े का, इसके वजह से काला दिख रहा है। तो गाइज अब मैं आ गया बाहर, और ये पीछे जो मंदिर दिख रहा है, कितना बड़ा मंदिर है यार, बहुत हाइट है इसका, काफ़ी हाइट है। और एक मंदिर इधर भी है, यहाँ पे भी एक मंदिर है, और चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है यहाँ पे। इस मंदिर का लंबाई 100 फीट से भी ज्यादा है, और यह मंदिर 5 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। इस मंदिर के साथ साथ इसके बगल में बहुत सारे मंदिर अभी हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। तो गाइस आपको पूरा मंदिर दिखा दिए घूम के। अब मैं चल रहा हूँ बुआ जी के घर। तो ये अपना बाइक, अब मैं चल रहा हूँ ये कुछ मंदिर का
ग्राउंड देखिए कितना बड़ा है। तो गाइस ये है यहाँ के गांव और बुआ जी का गांव है, ठीक है। कैसा है ये? काफ़ी बढ़िया है यार, छोटा सा गांव है, बड़ा मंदिर है यहाँ पे, बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत सारे यहाँ में मेला लगता है। तो बुआ जी के घर से करीब ही में एकदम है, एकदम करीब में, बस वहाँ से पीछे मंदिर था और यहाँ से फिर बुआ जी के घर चला जाएगा ये गली। और आगे जो दिख रहा था, मैंने इससे पहले वीडियो में दिखाया था, वहाँ पे छोटे थे तो बहुत जाके वहाँ घूमते थे, आगे जो सीधे है। अब मैं आ गया बुआ जी के घर, ये बुआ जी का घर। और ये मंदिर के बारे में थोड़ा सा इनको नॉलेज है, जानते हैं कि मंदिर कब का है? मंदिर के बारे में मतलब हमको पूरा नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं बुजुर्ग जो पहले के थे, मतलब बाबा बता रहे थे हमारे, मतलब जो भी बाबा बाबा बता रहे थे लोग, इतना बता रहे थे। आज हम निकलने वाले हैं घर, काफी स्लो नेट चल रहा है यहाँ पे यार, इतना स्लो नेट चल रहा है कि एक स्टेटस भी नहीं देख सकते हैं, बहुत ही स्लो नेट चल रहा है। मैं तो एकदम पूरे पूरे तरह से परेशान हो गया हूँ यार, और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं कल का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया अभी तक। तो मैं आज शाम को निकलने वाला हूँ घर, और उसके बाद से हम लोग नेपाल जाने वाले हैं, बहुत जल्द नेपाल जाने वाले हैं, और हम लोग नेपाल टूर लगभग 3 से 4 दिन के लिए रहेगा। सो है गाइस, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, अब तक के लिए बाय।